बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम देयम् सदा सवितरमंडल मध्यवर्ती नारायणं सरसिजा सरसन्नविष्ट केयूर वाहन मकर कुंडल वान किरीटे हरे हिरण्यमय वपुष्णाम निशंक चक्र। नमस्कार दर्शकों, राम राजन में आज फिर से मैं पंडित वेद प्रकाश जोशी आप सबका अभिवादन अभ्यर्थन करता हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भगवान सूर्य नारायण के विषय में। दर्शकों, धेयम सदा सपित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणं सरसिजा सरसन्न विष्टे केयूर वाहन मकर कुंडल वाम किरीटे हारो हिरण्यमय वपुष्णामि यद शंख चक्र। अर्थात हमारे इस चराचर सौर मंडल के मध्य में कमल के आसन पर विराजमान भगवान सूर्य नारायण, जो कि बाजूबंद मकर की आकृति के कुंडल मुकुट शंख चक्र धारण किए हुए हैं तथा स्वर्ण की आभा से युक्त शरीर वाले कांतिमय शरीर वाले हैं, उनका हम जो है सदैव ध्यान करते हैं। हमारे सूर्य नारायण की स्थिति श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी महाराज के अनुसार भूलोक यानी इस मृत्युलोक तथा द्यूलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक अस्थित है। इस द्यूलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र और तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को जो है प्रकाशमान प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन तथा विषुवत नामक तीन मार्गों से चलने के कारण कर्क मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि जो है समान रहते हैं। जब वे वृष मिथुन कर्क सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी जो है बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य नारायण वृश्चिक मकर कुंभ मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रतिमास जो है एक एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम होती जाती है। सूर्य नारायण के दिव्य नामों से अर्चन जो है हमेशा ही कल्याणप्रद होता है। ओम मित्राय नमः। अब हम जो है आपको भगवान सूर्य नारायण के दिव्य नामों के बारे में आपको उसका अनुसरण करते हैं। ओम मित्राय नमः अर्थात सबके साथ मैत्री भाव बनाए रखता है। ओम रवये नमः अर्थात जो प्रकाशमान और सदा उज्ज्वलित रहता है। ओम सूर्याय नमः अर्थ जो है इसका यह है कि अंधकार को मिटाने वाला और जो जीवन को गतिशील बनाता है। ओम भानवे नमः जो सदैव जो है प्रकाशमान है। ओम खगाय नमः वह जो सर्वव्यापी है और आकाश में विचरण करता रहता है। ओम पोखणे नमः अर्थात वह जो पोषण करता है पालन करता है और जीवन में पूर्ति लाता है पूर्णता लाता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः अर्थात जिसका जो है स्वर्ण के भांति प्रतिभा है रंग है। ओम मरीचये नमः अर्थात वह जो अनेक किरणों द्वारा प्रकाश देता है। ओम आदित्याय नमः आदित्य जो पूरे ब्रह्मांड की माता है उनका पुत्र। ओम सवित्रे नमः जो इस धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। ओम अरकाय नमः जो प्रशंसा व महिमा करने के योग्य हैं। ओम भास्कराय नमः जो ज्ञान व ब्रह्मांड के प्रकाश को प्रदान करने वाला है। दर्शकों, भगवान सूर्य नारायण के लिए जो है तांबे के लोटे में जल भरकर एक चुटकी रोली लाल पुष्प डाल करके जो है सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार से अर्घ देने से दीर्घायु आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में लाभ की प्राप्ति होती है। अर्घ के जल को भूमि से जो है मस्तक नेत्र कंठ और हृदय में श्रद्धापूर्ण नियमित स्पर्श करने से हृदय एवं नेत्र विकार ठीक होते हैं। ओम राम भ्रीम भ्रोम सह सूर्याय नमः ये भगवान सूर्य नारायण का मंत्र है। एकाक्षरी बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भगवान का एकाक्षर बीज मंत्र है। मानसिक शांति ज्ञान में वृद्धि सूर्य ग्रह शांति आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य की दान देने वाली वस्तुओं में जो है तांबा गुड़ गेहूँ मसूर की दाल दान की जा सकती है। यह दान जो है प्रत्येक रविवार या सूर्य संक्रांति के दिन किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दिन भी
सूर्य की वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहता है। ओम सूर्य नारायणाय नमः, भास्कराय नमः, प्रभाकराय नमः, मरीचे नमः, पूखणे नमः, शुशांतर भवतु।